West Bengal has withdrawn the ban on incoming international flights. However, a fully vaccinated certificate or a negative RT-PCR test result will be required for all international passengers. Meanwhile, Assam, on the other hand, has also dropped mandatory COVID testing requirements on arrival at airports, railway stations, and also road border points from today onwards. These relaxations have come in line with centre's guidelines that have been announced earlier this week. The 7-day home quarantine will also no longer be required for the passengers arriving in India, while no pre-departure RT-PCR is required for those who are fully vaccinated in 82 countries, including Australia, Canada, the UK, USA, and New Zealand. सर आप लोग अभी कतर से आ रहे हैं क्या वहाँ बताया गया था और अब यहाँ क्वारंटीन के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ बताया गया था कि इंडियन जो भी बंदा है उसका वो पीसीआर टेस्ट नहीं होगा और जिसका थ्री डोज लग गया उसका पीसीआर टेस्ट नहीं है अपना सर्टिफिकेट लेके जाओ हो जाएगा। इससे पहले जो लोग आपके पास आप लोगों के साथ आते थे उन लोगों को क्या करना पड़ता था उन लोगों को पहले पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता था हाँ। वो पीसीआर एक बार नहीं तो दो बार कराना पड़ता था अच्छा ऐसा प्रॉब्लम था पहले अभी आप सर आप कहाँ से आ रहे हैं और आपको भी वहाँ यही बताया गया है क्या बताया गया वो पहले पीसीआर होता था हाँ। अभी पीसीआर नहीं हो रहा है पीसीआर की जरूरत नहीं तीसरा डोज लग गया ना बूस्टर हाँ। डोज तो वो सर्टिफिकेट लेकर आए हाँ सर्टिफिकेट है इसमें रखा आपने सर्टिफिकेट है सर आप भी कतर से आ रहे हैं वहाँ पर क्या बताया गया था बस वही सिस्टम है अभी थोड़ा ठीक हो गया वो बंद कर दिया तो हमारे 2 रुपया बच जाता है नहीं हर आदमी का पैसा लगता है कोई मतलब कैसे निकाल देता कोई कैसे निकाल देता पैसा कमाने का जरिए का कोई सिस्टम बनाया है वो लोग ने अभी हम लोग का थोड़ा अच्छा हुआ है हमारा तो पहली बार आया तो टाइम पर हो गया और बाकी का सब आदमी का बहुत बार लगा तीन तीन बार पैसा लग जाता कोई मान लिया ऐसे ही दे देता कोई जैसे आता तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता पैसा नहीं था लेबर के पास कितना पैसा आएगा